एकलव्य विद्या संकुल। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 3 तक किया था, ओके। नाउ पेज नंबर 4, ओके। सो पहले क्या किया हुआ है देखो। डू यू नो इंडिया प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 1,60,00,000 टन्स मैंगोस एवरी ईयर, ओके। मीन्स इंडिया कितना मैंगो प्रोड्यूस करता है विद इन द वन ईयर? 1,60,00,000 टन्स। और 1 टन मीन्स कितना होता है? 1,000 kg, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो, ये दिया गया है 1,60,00,000 और टन्स मीन्स 1,000 kg। अगर आप 30 ऐड कर दे तो आपका आंसर किस में आएगा? केजी में, ओके। तो इंडिया का प्रोडक्शन रेट तो बहुत ज़्यादा है मैंगो का, ओके। नाउ इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मैंगोस इन द वर्ल्ड, ओके। हमारे इंडिया में मैंगो का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, मीन्स मैंगो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हमारे इंडिया में होती है, ओके। उत्तर प्रदेश डज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मैंगोस इन इंडिया, उत्तर प्रदेश करके एक शहर है, वो मैंगोस के लिए लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है, ओके। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट द बिगेस्ट मैंगो? ये देखो इन पिक्चर्स में ये जो शेप है ये मैंगो है, एक सबसे ज़्यादा बड़ी है, ओके। मीन्स व्हाट डू यू नो अबाउट द बिगेस्ट मैंगो, आप जानते हैं, ओके। तो यहाँ दिया हुआ है द बिगेस्ट मैंगो वेइंग 3.435 kg वॉज डिस्प्ले इन फिलीपाइंस, ओके। सो फिलीपाइंस करके एक शहर है, वहाँ पे सबसे बड़ी मैंगो पाई जाती है और इसका वेट कितना है? 3.435 kg, ओके। एंड इट वॉज 3.48 cm अराउंड 12 inches इन लेंथ, उस इतनी लंबी है, कितनी लंबी है? 3.48 cm अराउंड 12 inches, ओके। नाउ 49.53 मीन्स 19.5 inches इन सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस मीन्स उसका जो परिध होता है, ओके, उसे हम सर्कमफरेंस बोलते हैं, ओके। एंड 17.78 cm मीन्स 7 inches इन ब्रिथ, ओके। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी जो मैंगो है वो फिलीपाइंस में पाई जाती है, उसका वेट है 3.435 kg, उसकी लेंथ है 3.48 cm अराउंड 12 inches, उसकी जो सर्कमफरेंस है वो है 49.53 एंड उसका जो ब्रीथ है वो कितना है? 70.78 cm, ओके। अब यह दिया हुआ है कि जेंसी हैड मेड पिक्चर्स ऑफ मैंगोस इन डिफरेंट शेप्स, ड्रो डिफरेंट शेप्स ऑफ मैंगो, ओके। आपको मैंगोस के डिफरेंट शेप्स ड्रो करने हैं, यहाँ पे दिया गया है, देखो जेंटी जेंसी करके एक लड़की है, इसने ये सब ड्रॉ किया है, देखो ये टाइप का मैंगो का शेप है, ये शेप देखो आप, ओके। ये वाला शेप देखो मैंगो जैसा है ना, ये वाला शेप देखो आप, ये वाला शेप देखो, ये सब मैंगोस के शेप है। आप अपने माइंड में इमेजिन करके ये से ये सब शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू पेज नंबर 5, ओके। When you go to the market to buy mangoes, क्या आप गए हैं मार्केट में मैंगोज खरीदने के लिए, ओके। कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोग नहीं गए होंगे, ओके। डोंट गेट कन्फ्यूज टू सी सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज, ओके। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज, हमने जो प्रीवियस पीरियड में हमने पढ़ा था ना कि कितने टाइप्स के मैंगो होते हैं, ये देखो इधर फिगर भी है, हाफूस, लंगड़ो, केसर, तोतापुरी, दशहरी, बादाम, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगो है, ओके। अगर आप मार्केट में उसे खरीदने जाओ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये केसर कौन सी है, तोतापुरी कौन सी है, हाफूस कौन सी है, लंगड़ो कौन सी है, ओके। सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज आर अवेलेबल इन द मार्केट, सर्च योर सेल्फ इन द मार्केट फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैंगोज, ओके। बाय विच एवर टाइप ऑफ मैंगो यू लाइक एंड इंजॉय इट, ओके। नाउ ड्रॉ दिस मैंगो ऑन अ कार्ड पेपर ऑफ अ डिफरेंट शेप्स, ओके। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज है, उसकी इमेज आपको बुक्स में दी गई है, देखो ये पहली तो हाफूस है, ये केसर है, ये तोतापुरी है, लंगड़ो है, ओके, दशहरी है, बड़ा में, आप उसके शेप और कलर के
अंडा से आप उसे पता लगा सकते हैं कि हाँ ये केसर है, ये तोतापुरी है, ये दशहरी है, ये बडम है. ओके, नाउ विच टाइप ऑफ मैंगो फ्रॉम दी अबोव गिवन वेराइटीज हैव यू टेस्टेड. ओके, आपने किस मैंगो को टेस्ट किया है ये तो आपको खुद को बताना पड़ेगा. ओके, नाउ मैंगो ऑर्चर्ड एंड इट्स फार्मर. ओके, अनदर टॉपिक है मैंगो ऑर्चर्ड एंड इट्स फार्मर. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ मैंगो ऑर्चर्ड. कितने लोगों ने मैंगो ऑर्चर्ड देखी है. ओके, देखी होगी आपने टीवी पे या रियल लाइफ में भी देखी होगी. आप गांव जाते हो तो आपको दिखी होगी. वेयर हैव यू सीन इट, हैव यू सीन इट रियल और ऑन टीवी. ओके, आपने रियल में देखा है कि या टीवी में देखा है. आर द मैंगो ट्रीज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट एंड वीक. कैसा होता है मैंगो ट्रीज, शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है. ओके, वीक होता है, ये आपको इमेजिन करना है अगर आपने देखा है रियल लाइफ में या टीवी पे कहीं पे भी. ओके, डू यू नो हाउ टू क्लाइंब ऑन अ ट्री. ट्रीज पे कैसे चले जाता है आपको पता है. आर यू अफ्रेड ऑफ क्लाइंबिंग ऑन अ फॉल टॉल ट्री, जो सबसे बड़े वाला ट्री है जब आप उस पर चढ़ते हो क्या आपको डर लगता है. ओके, डर तो सभी को लगता है. ओके, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 6. ओके, ये हो गया हमारा पेज नंबर 5 कंप्लीट. नाउ वी आर गोइंग टू पेज नंबर 6. ओके, नाउ क्या बोला गया है. क्लोजर योर आइज एंड इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग अंडर अ ह्यूज मैंगो ट्री. आप माइंड में इमेजिन करो अपनी आंख बंद करके कि आप मैंगोज के सबसे बड़े वाले जो ट्री होते हैं उसके नीचे खड़े हो. ओके, कैन यू थिंक हाउ टॉल अ मैंगो ट्रीज कैन बी. क्या आप सोच सकते हो मैंगो ट्रीज कितने ज्यादा लंबे हो सकते हैं, क्या सोच सकते हो आप. ओके, ये तो आपको माइंड में इमेजिन करना है. ओके, कितने ज्यादा लंबे हो सकते हैं. ओके, नाउ इसके बाद है इमेजिन डेट यू हैव कम टू अ मैंगो ऑर्चर्ड विथ अ फार्मर. फार्मर के साथ आप मैंगो ऑर्चर्ड में गए. ओके, द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर मेकिंग रस्टली अ साउंड इन द जेंटल ब्रीज. ओके, अ कूलिंग साउंड इज अ हर्ड फ्रॉम द मैंगो ट्रीज. द मैंगोस ऑन अ ट्रीज आर स्विंगिंग ऑन अ ब्रांचेस बिकॉज ऑफ द ब्रीज. बिकॉज जब हवा आती है. ओके, मैंगोस क्या होती है, ट्रीज पे स्विंग मीन्स हैंग होती है, लटकी हुई होती है. ओके, अब जब हवा आती है तो वो क्या होती है, हवा की डिरेक्शन में वो भी थोड़ा थोड़ा स्विंग होती है. ओके, नाउ द फार्मर स्टार्ट हिज वर्क इन अ डार्क इन अर्ली मॉर्निंग. ओके, सुबह जल्दी उठ के वो क्या करता है, अपना काम शुरू कर देता है. सम फार्मर्स गो टू देयर फील्ड इन अ बुलॉक कार्ट्स. ओके, बरत गाड़ी जो आती है उसमें वो जाते हैं. ये देखो इसकी इमेज है आपकी बुक में, देखो बरत गाड़ी है ना. ओके, नाउ द फार्मर्स ग्रोइंग मैंगोज फेस अ डिफिकल्ट टाइम व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग. जब सबसे तेज हवा चल रही होती है सब, तब डिफिकल्ट काम होता है क्या, मैंगो को लाना, उसको ग्रो करना. ओके, वी कैन नॉट गो फार इन अ बुलॉक कार्ट. ओके, हम बुलॉक कार की मदद से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते. ओके, अ बुलॉक कार्ट कैन कवर द डिस्टेंस ऑफ ओनली 4 किलोमीटर इन एन आवर. ओके, 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है बुलॉक कार, ओनली 4 किलोमीटर्स. ओके, नाउ हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. अगर वो 1 आवर में 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है तो उसको इस क्वेश्चन में ये बोला है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. मीन्स 1 आवर में जो 4 किलोमीटर कवर कर सकता है तो 10 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, आपको ये फाइन करके बताना है. ओके, तो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, देखो इधर मैंने किया है. ओके, ये बुलॉक कार्ट वाला है पेज नंबर 6. ओके, और बुलॉक कार्ट कैन कवर द डिस्टेंस ऑफ ओनली 4 किलोमीटर इन एन आवर. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ये क्वेश्चन हमें बुक में दिया गया है. ओके, अब हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं. इन आवर बुलॉक कार्ट कवर डिस्टेंस 4 किलोमीटर. ओके, 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 4 आवर. ओके, 4 किलोमीटर. ओके, सो फॉर 10 किलोमीटर्स कितना घंटा लगेगा उसको ट्रैवल करने में. ओके, तो हमने ये सेंटेंस बनाया, देखो
फोर किलोमीटर कितना टाइम लगता है, 1 आवर, ये हमने क्वेश्चन में दिया है। नाउ 10 किलोमीटर कितना आवर लगता है, ये क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 10 डिवाइड बाई 4, ओके, इंटू ये 1, ओके, सो 10 डिवाइड बाई 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा, देखो इधर मैं करता हूँ, 10 डिवाइड बाई 4, 4 2 8, 10 माइनस 8 2, इधर 2 है और इधर 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा एंड हियर 0, ओके, देखो क्लियरली मैं इधर लिखता हूँ, 10 डिवाइड बाई 4, 4 2 8, इधर 2 बचा, हियर 4 है, देन हियर पॉइंट, हियर 0, तो 4 5 20, 4 5 20, 0 0, तो कितना टाइम लगेगा, 2.5 आवर, 2.5 आवर यानी 2 आवर 30 मिनट्स, ओके, इसको इतना टाइम लगेगा। नाउ इसके बाद क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है देखो, गैस हाउ मच डिस्टेंस डू यू कवर इन एन आवर बाय वॉकिंग फास्ट। अब आप अंदाजा लगाओ कि आप एक आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे फास्ट चल के, ओके, ये तो आपका खुद के ऊपर डिपेंड करता है, ओके, तो मैंने ये सुना है कि अगर मैं फास्ट चलूँ तो 5 to 6 किलोमीटर में डिस्टेंस ट्रैवल विद इन दी 1 आवर कर सकता हूँ, ओके, आपको फाइन करना होगा आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, ओके। नाउ अब क्या है, नाउ वी आर गोइंग टू पेज नंबर 7, ओके, तो पेज नंबर 7 में पहले वाला टॉपिक है, वी कैन फील द विंड एंड ऑल्सो द सन मूविंग विथ अस ड्यूरिंग अ जर्नी, ओके, हम कभी कहीं भी जर्नी करते हैं तो हम विंड को और सन को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इफ वी फॉरगेट द डिरेक्शन, ओके, अगर हम दिशा भूल जाए, ओके, मीन्स कहीं घूम जाए, वी कैन फिगर इट आउट विद द हेल्प ऑफ पोजिशन ऑफ द सन, ओके, अगर सन की पोजिशन हमें पता है तो हम पता लगा सकते हैं कि हम किस डिरेक्शन में जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा गया है कि फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डिरेक्शन ऑफ इट्स राइजिंग, देखो एक बच्चा है वो सन को देख रहा है डायरेक्टली, ओके, नाउ स्टैंड वेयर एवर यू आर, ओके, जब आप कहीं भी हो आप पहले खड़े हो जाओ उधर, विच इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू फाइंड इन योर ईस्ट, ओके, विच इंटरेस्टिंग थिंग डू यू फाइंड इन योर ईस्ट, ये तो आपको खुद फाइंड करना है, ओके, नाउ राइट द नेम ऑफ एनी टू थिंग्स सिचुएटेड इन योर वेस्ट डिरेक्शन, ओके, ये आपको खुद पता लगाना है, आपको खुद इमेजिन करना है, ओके, नाउ वाव सो मैनी मैंगोस, ओके, बहुत बड़े मैंगो है, मीन्स बहुत ज्यादा मैंगोस है, नाउ फार्मर सिलेक्ट द ग्राफ्ट फ्रॉम अ मैंगो ट्रीज विच गिव्स मोर मैंगोस एंड सोज द प्लांट एंड ग्रो इट इन देयर ओन फार्म, फार्मर क्या करता है उनके उनका खुद का जो फार्म है वहां पे मैंगोस प्लान करता है, ओके, नाउ अ फार्मर हैज़ टू वेट फॉर मेनी ईयर्स टू ग्रो अ बिग मैंगो ट्री एंड टू गेट मैंगोस एंड द ट्री, ओके, ऐसा नहीं है कि हमें जो ट्रीज है वो प्लान किया वो दूसरे साल वो मैंगो देने लगेगा, ओके, उसके लिए वेट करना पड़ता है, ओके, अराउंड 15 to 20 years, ओके, जब जो वो मैंगोस ट्रीज होते हैं 10 years या 15 years, ओके, हो जाते हैं, बाद में वो मैंगोस देना शुरू करते हैं, ओके, देन द फार्मर हैज टू वेट फॉर मैनी ईयर्स टू ग्रो अ बिग मैंगो ट्री एंड टू गेट मैंगोस ऑन दैट ट्री, ओके, नाउ क्वेश्चन है, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल, ये देखो ट्रैक्टर है ये एक, आपने देखा ही होगा सभी ने, ओके, द मैंगोस विच आर रेडी फॉर सेल आर कैरी टू APMC, APMC मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमिटी और अ मार्केट यार्ड, ओके, और अ बाजार इन अ डिफरेंट वेज टू सप्लाई द मैंगोस टू द मार्केट यार्ड एज अर्ली एज अ पॉसिबल, बिग और स्मॉल व्हीकल्स आर यूज, ओके, अब हम क्या करते हैं, मैंगोस कहाँ मिलते हैं हमें, 30 पे मिलते हैं, ओके, अगर हमने 30 पे से सारे मैंगो ले लिए, ओके, अब हम उसे सेल करने जाए या बेचने जाए तो क्या लाना पड़ेगा, मार्केटिंग यार्ड में, उस मार्केटिंग यार्ड को हम बाजार भी बोल सकते हैं और APMC मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमिटी भी बोल सकते हैं, ओके, तो 30 से लेके उसे मार्केट यार्ड तक ले जाने तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स यूज होते हैं, ओके, मैंगोस को 30 से उतारे जाते हैं, ओके, वहां इकट्ठे किए जाते हैं, बाद में क्या कहा जाता है, 30 से लेके उसे मार्केटिंग यार्ड तक लाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स यूज होते हैं, ओके, तो इस फिगर में हमें ट्रैक्टर दिया हुआ है, ओके, क्या करते हैं ट्रैक्टर, सभी मैंगो को इकट्ठा करके इसमें स्टोर किया जाता है और बाद में मार्केटिंग यार्ड तक लाया जाता है, ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन देखो,
अ ट्रैक्टर मूव्स एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, मीन्स ट्रैक्टर है वो कितनी स्पीड से जा रहा है पर आवर 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। हमने ब्लॉक कार देखा था, वो क्या कहा जाता था कि एक आवर में सिर्फ 4 किलोमीटर ट्रैवल करता रहा, लेकिन ये ट्रैक्टर है जो पर आवर 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ओके नाउ इसके ऊपर क्वेश्चन है। ओके पहला क्वेश्चन कौन सा है, हाउ मच डिस्टेंस कैन अ ट्रैक्टर कवर एट द सेम स्पीड इन 3 आवर्स। ओके इन 1 आवर ट्रैक्टर ट्रैवल 20 किलोमीटर, सो 3 आवर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सिंपल है ये तो, आपको सिर्फ 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके देखो ये मैंने सॉल्व किया है। ओके क्या दिया होगा है, अ ट्रैक्टर मूव्स एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस कैन अ ट्रैक्टर कवर एट द सेम स्पीड इन 3 आवर। ओके अगर 1 आवर में वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो 3 आवर में कितना करेगा, 20 × 3 वी गेट 60 किलोमीटर। ओके बिकॉज 23 का कितना होता है 60 किलोमीटर। ओके नाउ उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर। ओके अगर उसने 85 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो उसके लिए उसको कितना टाइम लगेगा। ओके तो हमें सिर्फ सेंटेंस बनाना है। ओके देखो, ओके फॉर 1 आवर ट्रैक्टर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फॉर 1 आवर 20 किलोमीटर। ओके तो हम सेंटेंस बनाते हैं, इफ ट्रैक्टर ट्रैवल 20 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर देन 85 किलोमीटर डिस्टेंस इन हाउ मेनी आवर। ओके समय क्या करना है, सिंपल 85/20। ओके तो इसका आंसर कितना आएगा, हम करते हैं 85/20। ओके सो 24 = 80, 0, 5। ओके हियर 20, हियर 5, देन हियर मेक अ पॉइंट मीन्स डेसिमल, देन हियर 0, नाउ हियर 20, हियर 50, सो 22 = 40, 0। ओके हियर 1, नाउ हियर पुट 0, सो वी गेट 25 = 0, 0। सो आंसर क्या मिलेगा, 4.25। ओके अगर 4.25 आंसर मिल रहा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 4 hours and 15 minutes टाइम लगता है। ओके 85 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। ओके पता चला आपको। ओके तो ये हमारा खत्म हो गया है पेज नंबर 7। ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पेज नंबर 8। ओके पेज नंबर 8 पे क्या दिया गया है, देखो ड्रो अ स्केच फॉलोइंग व्हीकल्स। आपको क्या करना है, ड्रो नहीं करना है लेकिन ये सब इमेज आपको देखनी है। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल है, ये देखो बुलेट कार्ट है, ये को हमें मेरा तिमिनी टेम्पा जो बोलते हैं, ओके ये भी टेम्पा बोल सकते हैं, ये ट्रैक्टर टाइप है। ओके ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल है ये क्या करते हैं, मैंगोस को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ओके नाउ क्या दिया है देखो, उसके बाद वेट अब क्या बोला गया है, नाउडेज द प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगोस आर वेरी हैप्पी। जो मैंगोस का प्रोड्यूसर है वो वेरी हैप्पी है, वाई, बिकॉज दिस ऑक्यूपेशन इज डेवलप एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ओके आवर मैंगोस आर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट स्टेट आवर कंट्री। ओके मैंगोस का एक्सपोर्टेशन कहाँ कहाँ होता है, डिफरेंट स्टेट ऑफ आवर कंट्री, ऑल्सो टू दी द फॉरेन कंट्रीज, बाहर की जो देश है वहाँ भी हमारा मैंगोस का एक्सपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगोस इन ह्यूज क्वांटिटी मीन्स सब बहुत बड़ी क्वांटिटी में इज अ कैरी आउट बाय ट्रक्स एंड एयरप्लेन्स। देखो यहाँ पे एयरप्लेन दिया हुआ है। ओके अगर फॉरेन कंट्री में हमें एक्सपोर्ट करना है तो मैंगोस को किस में ट्रैवल करना पड़ेगा, एरोप्लेन में। ओके इट इज अ मैटर टू कंसर्न फॉर आवर एनवायरमेंट एंड हेल्थ दैट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हैव इंक्रीज इन मैंगो ऑर्चर्ड, due to this the land quality is deteriorated and it is becoming infertile, dangerous chemicals are used to repair the mangoes quickly which harm our health। अगर हम मार्केट में मैंगो लेने जाए तो पकी हुई मैंगो भी मिलती है। ओके लेकिन वो एक्चुअल में नेचुरल तरीके से पकी हुई नहीं होती है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल एड किए जाते हैं। ओके
वो केमिकल से मैंगो पक तो जाएगी ओके, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए वो हार्म करेगी, मीन्स इट इज़ अ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ ओके। नाउ लास्ट में है पेज नंबर 8 के, एट प्रेजेंट वेट ओके, ये देखो एट प्रेजेंट मैनी फार्मर्स ग्रो मैंगोज बाय ऑर्गेनिक मेथड विदाउट यूजिंग केमिकल्स ओके एंड कीप अवर हेल्थ एज वेल एज देयर लैंड गुड। सम पीपल बाय अ रो मैंगोज गेट देम रिपन एट देयर ओन होम यूजिंग ड्राई गया ग्रास जूट सेक्स ऑनियन पेपर और ग्रेन एंड एंजॉय देम। हम सभी क्या करते हैं कि अगर मैंगो को नेचुरल तरीके से पकाना हो तो हम क्या करते हैं, हमारे घर पे जो मैंगो होती है वो पहले हम जो पकी हुई नहीं होती है वे वो ले लेते हैं ओके, बाद में हमारे घर पे ही वो जो ऑनियन होते हैं ओके उसके ऊपर रख देते हैं तो वो सबसे ज़्यादा पकने लगती है ओके। ये देखो मैंगोस के इमेज है ओके। नाउ वी आर गोइंग टू पेज नंबर 9, मैनी टाइप्स ऑफ मैंगो आर इन एग्जिस्टेंस सिंस मैनी ईयर्स। अर्लियर ह्यूज नेटिव देसी मैंगो ट्रीज वर मोर इन नंबर्स, कॉमनली 3-4 मैंगो ट्रीज वर सीन इन ईच फार्म ओके। नाउडेज फार्मर्स आर ग्रोइंग ग्राफ्टेड मैंगोज ओनली ओके, नेटिव मैंगोज ट्रीज आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट, मीन्स अब वो खत्म हो चुके हैं। इफ देर आर नो मैंगो ट्रीज वेयर विल वी हियर कोइंग ऑफ कुकूस, हाउ विल वी एंजॉय मैंगोज बाय क्लाइंबिंग ऑन मैंगो ट्रीज लाइक अवर ग्रैंडफादर व्हेन दे वर किड्स, हाउ विल वी एंजॉय विजिट टू मैंगो ऑर्चर्ड थिंक। आपको सोचना है, राइट अ रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैंगो एंड मैंगो ट्रीज ओके। आपको रिपोर्ट लिखना है ओके, लेकिन बुक में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए ये रिपोर्ट लिखना है ओके ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ओके। नाउ वी आर कंप्लीटेड टू पेज अप टू पेज नंबर 8 ओके। पेज नंबर 9 का थोड़ा कंटेंट बाकी है, वो न्यूमेरिकल है, इसलिए अब जो नेक्स्ट वाला सेशन है, मीन्स नेक्स्ट वाला जो वीडियो भेजूंगा उसमें हम पेज नंबर 9 के जो एग्जांपल है वो करेंगे ओके। थैंक यू, बाय एवरीवन।